वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सियालकोट में जिन मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं वो ज्यादातर नून लीग के दौर में मंजूर हुए। एयर सियाल का लाइसेंस 2017 में मंजूर हुआ, 17 अरब रुपए की ग्रांट 2018 में एशियन बैंक के मुआहदे की सूरत में मिली। ये मुआहदा हुकूमत पंजाब सियालकोट की बल्दियाती हुकूमत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के दरमियान हुआ। साफ पानी, सीवरेज सिस्टम और पार्क की तामीर के मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सियालकोट आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने निजी एयरलाइन का इफ्तिताह किया और एयर सियाल के तैयारे का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती मंसूबों के लिए 17 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान करेंगे। मंसूबों में तरक्याती काम, साफ पानी, पार्क और मुख्तलिफ मंसूबे शामिल हैं। इमरान खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम के फैसलों की मशावरत के लिए बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज को घर बुला लिया। लाहौर जलसे की हिकमत अमली, इस्तीफों के तरीकाकार और लॉन्ग मार्च पर बात होगी। लॉन्ग मार्च की तारीख तय करने के लिए पीडीएम के स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज शाम हो रहा है। पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर में शिद्दत, 24 घंटों के दौरान मजीद 60 अफराद इंतकाल कर गए। तकरीबन 3000 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8%, कराची में 21% से जायद है। एनसीओसी का कहना है कि लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और पेशावर में कोरोना मरीजों की हालत ज्यादा तश्वीशनाक है। रावलपिंडी के 19 और भावलपुर के 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गिलगित बल्तिस्तान के भलाई इलाकों में गुज़िश्ता रोज से शदीद बर्फबारी जारी। जिला दियामिर में बाबूसर टॉप पर 5 फुट और बटुगा टॉप पर 4 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। अस्तूर के पहाड़ों पर भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मुल्तान, लोधरा, साहिवाल, राजनपुर, चीचा वतनी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक मोटरवे बंद रही। आज होंगे लंका प्रीमियर लीग में 2 मुकाबले। जाफना ऑस्ट्रेलियंस और कैंडी टस्कर्स का टाकरा होगा। दूसरे मैच में दम्बोला वाइकिंग और गॉल ग्लैडिएटर्स का आमना सामना होगा।